वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार आज तक हमने जितने भी पोकेमॉन्स देखे हैं, आज तक जितने भी टोटल पोकेमॉन्स बनाए हैं पोकेमॉन वालों ने, वो सब कहीं ना कहीं किसी रियल लाइफ के किसी क्रिएचर से इंस्पिरेशन लेके बनाए गए हैं, जिनमें से काफी सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जो आइडिया है, जो इनकी इंस्पिरेशन है, वो किसी एक्सटिंक्ट एनिमल से ली गई है। तो हाँ, वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड तक बने रहना। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैमोस्वाइन। ये एक आइस टाइप का पोकेमॉन है सिनोरिजन से, और इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्वाइन अप, फिर पाइलोस्वाइन और फिर मैमोस्वाइन। अब मैमोस्वाइन के नाम से तुम अंदाजा लगा सकते हो ये बेस्ड है मैमथ पे। मैमथ अभी से कुछ 10,000 साल पहले अर्थ पे रहा करते थे, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये काफी हद तक एलिफेंट जैसे लगते हैं, क्योंकि ये एलिफेंट के पूर्वज हुआ करते थे। लेकिन इनका जो साइज है वो एलिफेंट के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा रहता था, और यहाँ तक कि इनके जो दांत है वो भी बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर एक फर रहता है, तुम देख सकते हो। और यार, मैमथ को ना ठंडी जगह पे रहना बहुत ज्यादा पसंद था, ये ज्यादातर ठंडी जगह पे पाए जाते थे। इसी का ये रीजन है कि यार यहाँ पे मैमोस्वाइन को आइस टाइपिंग दी गई है। काफी लोग सोचते हैं कि मैमोस्वाइन एक्चुअली मैमथ पे बेस्ड नहीं है, बट ऐसा नहीं है यार, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि मैमोस्वाइन एक मैमथ पे ही बेस्ड है। तुम यहाँ पे कलर, डिजाइन वगैरह ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर करके देख सकते हो, हर चीज यहाँ पे मैमथ से इंस्पायर इसकी रखी गई है। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि मैमोस्वाइन एक एक्सटिंक्ट एनिमल जिसको हम कहते हैं मैमथ, उस पर बेस्ड है। नंबर 2, यहाँ पे आता है ओमेस्टर पोकेमॉन। ये कैंटो रीजन का एक पोकेमॉन है, और हम जानते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर भी इसको लुप्त ही माना जाता है, यानी कि हाँ पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन तुम इसको फॉसिल की मदद से रिवाइव कर सकते हो। अब यार, जो ओमेस्टर पोकेमॉन है ये बेस्ड है एमोनाइट पे। यार ये ऑलमोस्ट 60 मिलियन साल पहले अर्थ पे रहा करते थे, और अगर तुम इनका डिजाइन देखो तो ये काफी हद तक एक ऑक्टोपस जैसे लगते थे, लेकिन इनके पास एक शेल रहता था बिल्कुल जैसे ओमेस्टर के पास एक शेल रहता है, और उसी की मदद से ये अपने आप को बचाते थे। अगर तुम नाम भी देखो तो यहाँ पे इसी के नाम को लेके ओमेनाइट का भी नाम बनाया गया, जो कि ओमेस्टर का फर्स्ट स्टेज है। और यहाँ तक कि क्या तुम्हें पता है, ओमेस्टर और ओमेनाइट की पोकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग ये लोग पोकेमॉन वर्ल्ड में इस वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे, इनके शेल की वजह से, क्योंकि अपने शेल की वजह से ये लोग ढंग से चल नहीं पाते थे। इनका जो शेल था वो काफी भारी था, और उसी की वजह से इनका काफी शिकार हुआ और ये एक्सटिंक्ट हो गए। यानी कि हाँ, इनको शेल इनको बचाता भी था, लेकिन उसी की रीजन की वजह से यहाँ पे ये एक्सटिंक्ट भी हुए थे। नंबर 3, रायकू। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जेन 2 यानी जोटो रीजन से। यार रायकू बेस्ड है सेबर टूथ टाइगर पे। सेबर टूथ टाइगर के बारे में यार सब लोग जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हाँ ये यार अब एग्जिस्ट नहीं करते अर्थ पे, ये ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। यार अगर तुम इन्हें देखो ना, तो तुम साफ साफ समझ सकते हो यहाँ पे कि अभी के टाइगर के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे, और खासकर इनके जो दांत है वो तो इतने ज़्यादा बड़े हैं, तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। ये एक्चुअली यार बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे जब ये थे अर्थ पे। यहाँ पे हम क्लियरली देख ही सकते हैं यार, जो रायकू का डिजाइन है और हर चीज है यार, वो यहाँ पे इंस्पायर करके ली गई है सेबर टूथ टाइगर से, और इसके भी दांत जो है वो इतने ज्यादा खतरनाक रखे गए हैं, और बिल्कुल इसको पावरफुल बनाया गया है बिल्कुल एक सेबर टूथ टाइगर जैसा, और इसको एक लेजेंडरी भी बनाया गया है इसकी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर की वजह से। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है, ये एक और एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका नाम है राइजू, उस पर भी बेस्ड है, मतलब ये इन दोनों का मिक्सचर है हम लोग कह सकते हैं। नंबर 4, यहाँ पे आता है डोडुओ पोकेमॉन। ये कैंटो रीजन का एक 2 स्टेज पोकेमॉन है, जिसका सबसे पहला स्टेज है डोडुओ और फिर आता है डोड्रियो। यार ये बेस्ड है डोडो बर्ड पे। अब यार इसके नाम से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि साफ साफ यहीं से इसका इंस्पिरेशन लिया गया, नाम भी पूरा सिमिलर रखा गया है। डोडो बर्ड अभी से कुछ लास्ट 400 साल पहले अर्थ पे रहा करते थे। आखिरी जो डोडो बर्ड था वो हमको 400 साल पहले देखने मिला था 1660 के टाइम पे, जो कि यार हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि अभी तो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं डोडो बर्ड। और यार जो डोडो है ये इसी से इंस्पायर करके रखा गया है। बस हाँ, ये चीज पोकेमॉन वालों ने खुद बदली है कि इसको 2 सर दिए, जबकि असली में ऐसा कुछ नहीं था। असली में जो डोडो बर्ड है उसका बस 1 ही सर हुआ करता था। इसको तुमने काफी जगह पे देखा होगा, डोरेमोन की मूवी वगैरह में, और भी तुमने इसके बारे में काफी सुना होगा डोडो बर्ड के बारे में। ये एक्चुअली काफी बढ़िया हुआ करते थे। नंबर 5, यहाँ पे आता है टर्ट्यूगा। ये एक वाटर टाइप का फॉसिल पोकेमॉन है यूनोवा रीजन से, और ये 2 स्टेज है, यानी कि सबसे पहले टर्ट्यूगा फिर आता है कैराकोस्टा। और अब क्योंकि ये फॉसिल पोकेमॉन है, यानी कि हाँ पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर भी इसको एक्सटिंक्ट ही माना जाता है। अब यार ये बेस्ड है प्रोटोस्टैगा नाम के एक टर्टल पे, जो कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन साल पहले अर्थ पर रहा करता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा टाइम पहले था अर्थ पे। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो यार ये कैसा दिखता था, ये ऑलमोस्ट हम देखे तो टर्ट्यूगा से काफी ज्यादा सिमिलर है, मतलब टर्ट्यूगा का डिजाइन यहीं से पूरा ऑलमोस्ट लिया गया है, पूरी इंस्पिरेशन इसी से ली गई है, और इसी से इंस्पायर होकर यहाँ पे टर्ट्यूगा को बनाया गया है। तो कह सकते हैं ये भी एक एक्सटिंक्ट वाले पे ही बेस्ड है। नंबर 6, यहाँ पे आता है आर्कियोप्स पोकेमॉन। ये यूनोवा रीजन का पोकेमॉन है, और यार ये भी एक फॉसिल पोकेमॉन है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर ये भी एक्सटिंक्ट हो रखा है। क्या तुम्हें पता है, इसे सबसे पहला बर्ड पोकेमॉन कहा जाता है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, यानी कि जितने भी बर्ड पोकेमॉन्स आए हैं सब यार इसी से होके आए हैं, ये सबका एंसेस्टर है ऐसा कहा जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड में।
अब यार बता दूं, आर्कियोप्स पोकेमोन बेस्ड है आर्कियोपटरेक्स पे। यार ये ऑलमोस्ट 150 मिलियन साल पहले रहा करते थे अर्थ पे, और तुम यहाँ पे देख सकते हो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम आर्कियोप्स जैसे ही है, और यहाँ तक कि आर्कियोप्स जैसे ये भी काफ़ी कलरफुल हुआ करते थे। उसी सबसे इंस्पायर होकर यहाँ पे पोकेमोन वालों ने आर्कियोप्स को बनाया था, और जैसे मैंने बताया ये बहुत टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पुराने हैं एक्चुअली में। और आर्कियोप्स पोकेमोन को इसीलिए पोकेमोन वालों ने डिसाइड किया कि यार इसको भी हम लोग एक्सटिंक्ट रखते हैं, इसको भी एक फॉसिल पोकेमोन ही बनाते हैं, जो कि सही डिसीजन है। नंबर 7, यहाँ पे आता है सर्पीरिया। ये इनोवा रीजन का ये एक स्टार्टर पोकेमोन है, और इसका जो फाइनल स्टेज है हम देख ही सकते हैं, उसमें ये सही से पूरा स्नेक बन जाता है। अब क्या तुम्हें पता है किस पे बेस्ड है? तो यार अगर पोकेमोन वालों की माने तो ये टाइटेनोबोआ से इंस्पायर्ड है। टाइटेनोबोआ यार बहुत साल पहले अर्थ पे रहा करता था, और अभी तक का सबसे बड़ा स्नेक है हम इसको कह सकते हैं। अभी के जो एनाकोंडा होते हैं उनसे भी यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। लिटरली यार इससे कोई भी नहीं बच सकता, इसका साइज इतना ज़्यादा खतरनाक है, इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। सही में यार अगर अभी के टाइम पे जिंदा होता ना भाई, अलग ही लेवल का तहलका मच जाता, इतना ज़्यादा ही खतरनाक था। और बता दूँ यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा था, वहीं पे सर्पीरियर का साइज उतना ज़्यादा बड़ा रखा नहीं गया, ये पता नहीं क्यों है। अगर ये टाइटेनोबोआ से इंस्पायर्ड है तो पोकेमोन वालों को इसका साइज़ भी यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा रखना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। बट हाँ ये बेस्ड इसी पे है, सर्पीरियर टाइटेनोबोआ पे ही बेस्ड है। नंबर 8, यहाँ पे आता है एरोडैक्टाइल पोकेमोन। यार ये कैंटो रीजन का एक फॉसिल पोकेमोन है, यानी कि हाँ कैंटो के अंदर भी यार ये एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो रखा है, लेकिन ओल्ड एम्बर की मदद से तुम इसको रिवाइव कर सकते हो, इसके फॉसिल की मदद से रिवाइव कर सकते हो। यहाँ पे यार जो एरोडैक्टाइल है ये बेस्ड है टेरोडैक्टाइल पे। इसके बारे में आई गेस मैं पहले भी काफी और बता चुका हूँ, तुम लोग जानते ही होगे यार इसके बारे में ढंग से। टेरोडैक्टाइल जो है यार ये एक्चुअली में एक रेप्टाइल हुआ करता था, यानी कि हाँ इसके पास विंग्स नहीं थे, लेकिन यार इसके हाथ के पास में एक स्किन रहती थी जिसकी मदद से ये उड़ सकता था। और सेम चीज़ यहाँ पे यार एरोडैक्टाइल के साथ में भी हमको देखने मिलती है। तो हाँ जो एरोडैक्टाइल है ये बेस्ड है टेरोडैक्टाइल पे, तुम नाम भी देख सकते हो यहाँ पे सेम इसी से लिया गया है। नंबर 9, यहाँ पे आता है एनोरिथ। ये जोटोरिजन का एक फॉसिल पोकेमोन है, और ये बेस्ड है एनोमेलोकेरिस पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो किस तरह का लगता है, ये पूरी तरीके से एक एनोरिथ जैसा दिखता है, क्योंकि एनोरिथ का जो डिजाइन है वो सब इसी से इंस्पायर करके बनाया गया है। यार ये ऑलमोस्ट 500 मिलियन साल पहले अर्थ पर रहा करते थे, यानी कि अभी तो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये यार पानी के अंदर रहा करते थे, और इनको एक बग टाइप का क्रिएचर माना जाता था, और यही रीजन है कि यहाँ पे एनोरिथ पोकेमोन और आर्माल्डो को बग टाइपिंग दी गई है। और फाइनली नंबर 10, यहाँ पे आता है आर्टिकुनो। ये एक आइस टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है कैंटो रीजन से। क्या तुम्हें पता है आर्टिकुनो यहाँ पे बेस्ड है कागू बर्ड पे। यार ये जो बर्ड है इसका कलर तुम देखोगे काफी ब्लूइश टाइप का होता है, बिल्कुल आर्टिकुनो की तरह। ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो उतना बड़ा नहीं होता आर्टिकुनो जितना, लेकिन हाँ जो आर्टिकुनो है इसी से इंस्पायर करके बनाया गया है। अब ये एक्सटिंक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। मतलब हाँ यार ये एक एंडेंजर स्पीशीज है, जो कि अब बहुत ज़्यादा कम बची हुई है अर्थ पे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये एक्सटिंक्ट भी हो जाए, जो कि यार बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होगी। तो कह सकते हैं हाँ ये ऑलमोस्ट भाई एकदम एज पे है एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, जिसकी वजह से मैंने सोचा इसको भी हम लोग लिस्ट में ले सकते हैं। तो होपफुली यार तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।